हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपका पैन कार्ड खो गया है या गुम हो गया या बाई चांस वो आपसे गिर गया है और आपको दोबारा चाहिए, आप उसको दोबारा प्राप्त करना चाहते हो या लेना चाहते हो, तो दोबारा से प्रिंटिंग किस तरीके से कराएंगे, दोबारा से उसको जैसे उसका प्रिंट आता है वो किस तरीके से मंगवाएंगे। तो उसके लिए हमें एक मोबाइल नंबर हमारे पैन कार्ड में जुड़ा होना अनिवार्य है और एक जीमेल। अगर जीमेल या पैन कार्ड इनमें से एक चीज़ भी जुड़ा होगा तो हम दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन से, अन्यथा हमें दोबारा से 200 रुपये देने पड़ेंगे तभी हमें कोई निकाल के दे सकता है, अदरवाइज़ नहीं दे सकता। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, मतलब आपके पास अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है आपके पैन कार्ड में या जीमेल नहीं जुड़ा तो उसको किस तरीके से अपडेट करेंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे आपको, पूरा लाइव देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देते हैं, अगर नए हमारे चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। क्रोम ब्राउज़र जाने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली सी टाइप करना होगा TIN NSDL टाइप करना होगा आपको और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में जो सबसे फर्स्ट में ऊपर आएगा उस पर आपको ओके कर देना है। और सबसे पहले आप इसको तीन डॉट पे जाके, अगर फ़ोन पे आप यूज़ करते हैं क्रोम ब्राउज़र को तो डेस्कटॉप साइड पे मोड ले लें, क्योंकि कंप्यूटर की तरफ करना स्टार्ट लग जाएगा। तो TIN DSDL पे ओके कर देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, इसको आप कंटिन्यू पे ओके कर दें, फिर दोबारा से कंटिन्यू कर दें। इस वेबसाइट पे उसने कहा है कि आपका स्वागत है इस पैन कार्ड आधार ऑफिसर वेबसाइट पे, वेलकम कह रहा है बार बार कंटिन्यू करने के लिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इतने कि लिंक आधार टू पैन कार्ड और अप्लाई फॉर, यहाँ पे स्टेटस भी चेक कर सकते हो आप। और उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड और उसके बाद एक दिया हुआ है पेपरलेस एड्रेस अपडेट इन, तो हम इसके ऊपर ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें करना क्या होगा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पैन नंबर डालें अपना, पूरा पैन नंबर डाल दें। पैन नंबर डालने के बाद में आप नीचे अपना आधार नंबर डालें, और आधार नंबर डालने के बाद एक अपना जीमेल डाल दें जो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद एक मोबाइल नंबर डालें जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद कंडीशन को एग्री पे कर दें और थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, और स्क्रॉल करने के बाद में कैप्चर डालेंगे। अगर कैप्चर सही है तो ठीक है, अगर कोई दूसरा है तो आप दूसरा डाल सकते हो, eT, s और G। सबमिट पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे ओके कर दें। ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे जो मोबाइल है और जीमेल उस पर एक OTP सेंड किया गया, और OTP ये जो आ चुकी है कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सबमिट पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पे ऑलरेडी देखिए सब कुछ आ चुका है, सब कुछ जितना इसमें एड्रेस दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, वेरीफाई पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपको वेरीफाई OTP कर देना है और यहाँ पे आपको दोबारा से ओके कर देना है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस अपडेट, तो यहाँ पे पता है क्या हुआ, एक तो यहाँ पे मोबाइल पर OTP आई है, उसको डाल दें, ठीक है। उसको डालने के बाद में हम इसको चेक कर लेते हैं क्या OTP थी। और इसको डाल देते हैं पहले, उसके बाद हम अपने जीमेल में चलते हैं और हमारे जीमेल में आ चुकी है एक OTP। तो करना इसे, इसमें सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जो ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में यहाँ पे OTP आ चुकी है, उसको
कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में दोबारा से क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हम आपको एक बार बता देते हैं। एक तो मोबाइल नंबर पे ओटीपी आई और एक जीमेल पे। ओटीपी अलग अलग आएंगी, मोबाइल वाली मोबाइल पर ही डालनी है पहले वाले ऑप्शन पर, जीमेल वाली नीचे वाले ऑप्शन पर डालनी है। तो वैलिडेट पे ओके कर दें। इसके बाद यहाँ पे ये आपको पेज दिख जाएगा कि एड्रेस अपडेट फैसिलिटी, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कुछ ही टाइम में, 24 घंटे लगेंगे, 24 से 72 घंटे में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं पैन कार्ड में अपना मोबाइल नंबर और जीमेल। आशा करते हैं आज की वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।